हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ द एनिमल क्लोनिंग। प्रीवियस वीडियो में हमने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस किया था वेरियस पार्ट्स में। आप उस वीडियो को जो है वो रेफ़र कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ डिफरेंट टॉपिक बेसिकली। सो इसमें हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन से कि बेसिकली एक क्लोन क्या होता है, क्लोनिंग प्रोसेस क्या होती है। सो क्लोन इज़ अ जेनेटिक कॉपी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक जेनेटिक कॉपी। क्लोन्ड ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली। ओके, स्पर्म डज नॉट फर्टिलाइज द एग। बेसिकली इनका प्रोडक्शन जो होता है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। यहाँ पर जो नेचुरल कोर्स ऑफ जो फर्टिलाइजेशन का है वो नहीं देखा जाता, दैट इज़ जहाँ पे स्पर्म जो है वो एग को फर्टिलाइज करता है, वो केस यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अब एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो सर्टेन स्पीसीज़ लाइक श्रिम्प्स एंड स्नेल्स रेगुलरली रिप्रोड्यूस इन दिस वे। उनका तो नेचुरल वे ही जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है। इन ह्यूमंस आइडेंटिकल ट्विन्स अकर व्हेन एन एम्ब्रियोनिक सेल नेचुरली स्प्लिट्स इन हाफ। जैसे कि जो आपकी एम्ब्रियोनिक सेल होती है, अगर वो नेचुरली हाफ में स्प्लिट हो जाए, जायगोट जो है वो हाफ में स्प्लिट हो जाए, ईच हाफ कंटेन्स द सेम जेनेटिक कोड। तो उनमें क्या होगा, जेनेटिक कोड जो होगा वो सेम होगा, क्योंकि ओरिजिनली वो जो एक ही एम्ब्रियो था और जो कि डिवाइड होकर जो है टू सेल्स में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा टॉपिक आता है, दैट इज़ द आर्टिफिशियल क्लोनिंग, कि हम आर्टिफिशियली जो है वो क्लोनिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। सो आर्टिफिशियल क्लोनिंग अटेम्प्ट टू अचीव द सेम रिजल्ट थ्रू अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू जो है वो जो है इनके जो रिज़ल्ट जो होते हैं उनको अचीव करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें, टू क्लोन एन एनिमल इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द न्यूक्लियस सर्जिकली। यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली किसी एनिमल को जिसे हमें क्लोन करना है, ओके, जिसकी हमें कॉपी बनानी है या वट एवर इट इज़, उसमें बेसिक स्टेप्स क्या रहती हैं। सबसे पहले आपको एक सेल होती है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस को आपको रिमूव करना होता है सर्जिकली, और या फिर उसे हमें क्या करना पड़ता है, इनएक्टिवेट करना पड़ता है टोटली रेडिएशन के थ्रू। ओके, एक फर्टिलाइज एग्स जो होता है उसके अंदर, मतलब जहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन जो है वो हो चुका है, उसमें हमें रेडिएशन के थ्रू इसे इनएक्टिव जो है वो करना होता है। ओके, एंड रिप्लेस इट विद अ न्यूक्लियस टेकन फॉर अनदर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वन, इंडिविजुअल टू, इंडिविजुअल ए और बी। बेसिकली इसका जो न्यूक्लियस है वो हमने रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद या इनएक्टिव करने के बाद बी का जो न्यूक्लियस है वो हम इसमें इंसर्ट करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग द क्लोन बेसिकली। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन विद फ्रॉग्स। अब क्या है, हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले ऐसा न्यूक्लियस का जो ट्रांसप्लांटेशन है एक सेल से दूसरे में, उनका इनएक्टिव होना, रिमूव होना, फिर इंसर्ट होना, तो वो फ्रॉग्स में सबसे पहले देखा गया था 1952 में। रॉबर्ट ब्रिग्स और थॉमस किंग क्लोन सेवरल टैडपोल्स फ्रॉम एन एम्ब्रियोनिक सेल। उन्होंने उनकी जो है वो सेवरल कॉपीज़ जो है वो बनाई थी। अब हमारा आता है बेसिक डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ द फ्रॉग्स। बेसिकली फ्रॉग्स की कल्चर को अगर हम देखें, सो हेयर एंड दैट इज़ अनफर्टिलाइज्ड एग्स इज प्रेजेंट। ये आपका एडल्ट फ्रॉग है। एडल्ट फ्रॉग जो है उसकी हमने कंडीशन देख ली, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब क्या हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग है, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉयड बाय यूवी लाइट, ई न्यूक्लिएटेड ओवा जो है वो हमें मिल चुका है। अब क्या होगा, एडल्ट एग से हमने क्या किया, हमने जो है स्किन सेल्स को जो है वो कल्चर के डिस्क में जो है वो कल्चर कर दिया। टू एंड जो है वो सेल्स होती हैं, इनका जो न्यूक्लियस होता है उसको हमने पिपेट के अंदर जो है वो इंसर्ट करवा लिया। उसे हमें इंजेक्ट करना है कहाँ पर, इस बिना न्यूक्लियस वाले ओवा के अंदर। तो ये जो हमारा जायगोट बना 2n स्टेज वाला, ओवा हमारा प्रीवियस वन वाला है जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, और न्यूक्लियस जो है वो इधर से आया है, जो आपकी स्किन सेल्स हैं वो वाला न्यूक्लियस, दैट इज़ द ग्रीन पार्ट जो है वो इस एग में जो है वो इंसर्ट करवाया गया है। और फिर क्या होगा, हमारे नॉर्मल स्टेप्स जो चलती हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, ब्लास्टुला नॉर्मली बनेगा और फिर एज अ रिजल्ट जो है टैडपोल का फॉर्मेशन जो है वो होगा। सो दिस इज़ अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियर ट्रांसप्लांट जो कि फ्रॉग में किया गया था। अब हमारी बात आ जाती है क्लोनिंग की, कि टाइप्स ऑफ द क्लोनिंग। तो जेनेटिकली टर्म जो क्लोन जो है उसको तीन डिफरेंट वेज के अंदर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसको जीन क्लोनिंग में यूज़ करते हैं, सेल क्लोनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, और ऑर्गेनिज्मल क्लोनिंग जो है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग क्या है, जीन का ट्रांसफ़र बाय कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग इज़ पॉसिबल ओवर अ वेरी नैरो रेंज, दैट इज़ विद इन अ स्पीसीज, बट बाय नॉन कन्वेंशनल मेथड्स। दो मेथड्स की हमने यहाँ पर अब बात कर ली, कन्वेंशनल मेथड्स
और नॉन कन्वेंशनल मेथड्स। तो क्या होता है, कन्वेंशनल मेथड्स से जिनका ट्रांसफ़र बहुत ही कम रेंज में जो है वो पॉसिबल हो पाता है, ट्रांसफ़र होना पॉसिबल हो पा सकता है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, विद इन अ स्मॉल नैरो रेंज ऑफ स्पीसीज ही वो चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम नॉन कन्वेंशनल मेथड्स की बात करें, जहाँ पर क्या होता है, टिश्यू या फिर ऑर्गन कल्चर का रोल जो है वो देखने को मिलता है, तो जीन्स जो होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है ओनली एट द इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनरिक लेवल, दैट इज़ इंटर स्पेसिफिक लेवल, दैट इज़ आउटसाइड द स्पीसीज़ रेंज। सेम स्पीसीज़ नहीं है, डिफरेंट स्पीसीज़ के केस में, डिफरेंट जेनेरा के केस में जो है उनमें भी जो है जीन का ट्रांसफ़र जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो मॉडर्न जो टेक्निक है जीन ट्रांसफ़र की वो कैसी है, वो RDNA टेक्नोलॉजी जो हमारी है, दैट इज़ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, उसको यूज़ में लेके होती है, जो क्या अलाउ करती है, ट्रांसफ़र ऑफ अ जीन फ्रॉम इवन बैक्टीरिया से हम लें, वेदर दिस इज़ अ नॉर्मल सेल, दिस इज़ अ बैक्टीरियल सेल, इसका जो जीन का ट्रांसफ़र जो है वो यहाँ होना है, या फिर इंसेक्ट्स की भी अगर जीन की बात है, और आर्टिफिशियली सिंथेसाइज द जीन, जीन का या तो ट्रांसफ़र होगा या उनको आर्टिफिशियली लैब में सिंथेसाइज करके और जो है वो हायर एनिमल्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, दस इंक्रीजिंग मैनी फोल्ड द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इम्प्रूविंग द एनिमल्स। एनिमल्स के बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनको इम्प्रूव किया जा सकता है बाय RDNA टेक्नोलॉजी, बाय ट्रांसफरिंग देयर जीन्स। अब हमारी आ जाती है ओवरऑल प्रोसेस और द मेथडोलॉजी ऑफ़ द जीन क्लोनिंग, दैट इज़ जीन क्लोनिंग, या जिसे जीन ट्रांसफ़र भी कहा जाता है, विद द हेल्प ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। उनमें जो है वो ये स्टेप्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ द डिज़ायर्ड जीन टू मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि उसका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, उसकी कॉपीज़ बनानी है, या फिर जो है उसकी क्लोनिंग जो है वो हमें करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा इसमें आता है, दैट इज़ द सेल क्लोनिंग वाला पार्ट। तो सेल क्लोनिंग के अंदर जैसे कि हम इसमें डायग्राम में देखें, दिस इज़ अ मोरूला, मोरूला जो है वो एक टोटिपोटेंट स्टेम सेल है, ठीक है, उसका जो है वो जो सेल्स जो है वो निकाल ली गई, उनको कल्चर कर लिया गया लैब के अंदर, और फिर जो है इधर आपका क्या है, मोरूला से जो है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है एम्ब्रियो की, जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास है, ओके, जिसे कि प्लूरिपोटेंट जो है स्टेम सेल्स जो है वो कहा जाता है, दे वर्क एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, और लेटर ऑन फिर इनसे जो है ब्लास्टुला से ही जो है वो क्या बनता है आपका, आपका प्लू जो है वो 4-2 वीक का जो फीटस है उसका डेवलपमेंट जो है बेसिकली होता है। तो हमने यहाँ क्या किया, हमने जो मोरूला की स्टेज है वहाँ से सेल्स को आइसोलेट कर लिया, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज थी उनसे जो है हमने सेल्स को जो है वो इनर सेल मास वाले जो सेल्स हैं उनको जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, एंड एट लास्ट जो हमारा फीटस की जो स्टेज है, फीटस बनने की स्टेज है, 4-6 का वीक का फीटस है, उसके अंदर से भी हमने जो है वो क्या किया, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इन तीनों को जो है वो कल्चर किया हमने लैब के अंदर, दैट इज़ कल्चर ऑफ टोटिपोटेंट प्लस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल्स का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, और ये जो है वो क्या है हमारा एडल्ट जो फॉर्मेशन होता है आफ्टर द फीटस, तो क्या है एडल्ट स्टेम सेल्स जो है एज अ रिजल्ट जो है वो आपको देखने को मिलती हैं, दैट इज द बोन मैरो, स्किन, लीवर एंड द ब्लड। तो ये जो है इनसे इंसर्ट करवाई हुई सेल होती है एडल्ट से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उनको भी यहाँ पर जो है वो एज अ रिजल्ट मिक्स करके जो है वो कल्चर किया जाता है। अब इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। बेसिकली क्या है जो आपकी प्रोसेस है सेल क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होती है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल है, ओरिजिन एक से ही हुआ है, कहाँ से हुआ है, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मोरूला, मोरूला फ्रॉम ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट से आपकी आ जाता है फीटस, फीटस से आपका एडल्ट। सेल्स जो है वो क्या है जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, जो कि अराइज हुई हैं एक सिंगल पेरेंट से बाय द सेल डिवीजन, तो उनकी जो है वो बेसिकली प्रोसेस जो होती है उसे सेल क्लोनिंग कहा जाता है। सेल क्लोनिंग का प्रोसीजर क्या है एनिमल के टिश्यू में, तो बेसिकली क्या है जो हमने डायग्राम में देखा है उन्हीं को यहाँ पे जो है वो थ्योरेटिकल फॉर्म में बताया गया है, दैट इज सेल्स का सेपरेशन होता है मैकेनिकल एजिटेशन और बाय स्प्लिटिंग देम इनटू अ मिक्स, पुट उनको एक मिक्सचर में पुट किया जाता है या फिर केमिकल में, जो क्या करती है उनके एक्स्ट्रा सेलुलर मटीरियल को डिजोल्व करने का काम जो है वो करती है। अब जो सेल्स जो आइसोलेटेड है उन्हें फिर जो है ग्रो करवाया जाता है न्यूट्रिएंट मीडियम में, उनको फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करवाई जाती हैं इन अबाउट 7-10 डेज, 7-10 दिन में क्या होता है एक कॉलोनी जो है वो बन जाती है जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स की, मतलब वो क्लोन्स जो है वो बन चुके हैं। ऑल दीज सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द माइटोटिक डिवीजन ऑफ अ सिंगल सेल, के माइटोसिस के जो डिवीजन होता है उसके कारण ही ये जो है वो बनी है। ये जो सेल क्लोन्स होते हैं उन्हें बहुत सारी जो टेक्निक्स होती हैं मेडिकल साइंस में उनमें यूज़ में लिया जाता है। सेल क्लोनिंग हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, मैब्स जो होती हैं, उनके अंदर भी सेल क्लोनिंग जो है वो यूज़ में ली जाती है। अब अगर हम हिस्ट्री की बात करें सेल क्लोनिंग में, तो 1975 में जॉर्जेस कोलर एंड सीजर मेलस्टिन फाउंड ए वे टू प्रोड्यूस अ प्योर सप्लाई ऑफ एंटीबॉडीज़ इन ए डिजायर्ड क्वांटिटी। उन्होंने जो है वो रास्ता खोजा। साइंटिस्ट ने जो एक टेक्निक यूज़ करी उसे कहा गया हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजीज़। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लोनल क्लोनिंग इन एनिमल्स, द क्लोनिंग टेक्निक इन एनिमल्स। हिस्ट्री के बाद हम नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, दैट इज़ जो हाइब्रिडोमा टेक्निक वाला पार्ट है एंड अनदर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। क्लोनिंग के टाइप अभी हमने जो है वो जीन क्लोनिंग है, सेल क्लोनिंग के ऊपर फोकस है हमारा। फिर लेटर ऑन नेक्स्ट जो क्लोनिंग है उस पर भी हमारा फोकस रहेगा। सो दिस इज़ पार्ट वन ऑफ द वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द पार्ट टू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।